हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे Realme UI 2.0 का कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स पहले था पर ये चीज़ Realme ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है हमारे सामने। तो ये जो फीचर्स है, इस फीचर्स को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि Realme में कौन कौन से न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं। और ये जो फीचर्स है ज़्यादातर लॉक स्क्रीन से रिगार्डिंग है, तो हम लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन के फीचर्स मान सकते हैं इसको। और ये फीचर्स मुझे मिली कहाँ से, एक्चुअली लॉक स्क्रीन के ऊपर Q&A आया था तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर जो कि Realme ने खुद दिया है वो ढूंढ के निकाला है। तो ये चीज़ देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि Realme UI 2.0 में लॉक स्क्रीन रिलेटेड क्या क्या न्यू चीज़ आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। उसके साथ साथ अगर आप मुझसे पर्सनली कोई बात पूछना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से फॉलो करो मुझे। और उसके साथ साथ मुझे वहाँ पे क्वेश्चन करो, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ पहली फीचर्स के बारे में। यहाँ पे जो पहली फीचर्स आता है वो आता है एक बहुत बढ़िया चीज़ की। मतलब अगर आप सैमसंग गैलेक्सी टैब A6 लाइट को देखे होंगे, मतलब टैब A6 लाइट एक काफ़ी अनोखा प्रोडक्ट है 30,000 के अंदर। ऐसा टैब जिसके अंदर आपको स्टाइलस मिलता है और वो भी सैमसंग का, मतलब बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट होगा। यस, और उसी के साथ जब भी आप स्टाइलस का जो पेन है, मतलब जो स्टाइलस है उसको अगर आप दबाएंगे तो जो पहला वाला स्क्रीन होता है टैब A6 लाइट का, उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। खैर वो टैबलेट वाला चीज़ है, ये मोबाइल वाला चीज़ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने बोला है क्या ये Realme UI 2.0 में पॉसिबल है। तो Realme ने बोला है कि भाई ये करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टाइलस वाले टैब में ही होता है या मोबाइल में ही होता है, पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग फिंगरप्रिंट एंड अलग अलग पासवर्ड्स में माउंट कर सकते हैं। ये जो फीचर्स है ये बहुत पहले ओप्पो के डिवाइस में आया करता था, अभी जाके Realme UI 2.0 में ही आएगा। मतलब मान लेते हैं ये जो फिंगर है ये अनलॉक करने के लिए है, नंबर टू ये जो फिंगर है अगर आपने थंब यूज़ किया है तो ये फिंगर आपका यूज़ होता है वीडियो ओपन करने के लिए, ये जो फिंगर है ये वाला फिंगर आपका यूज़ होता है गैलरी ओपन करने के लिए। तो आप अलग अलग फिंगरप्रिंट को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो अलग अलग प्लेस में, जहाँ पे आप अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब आपको लॉक को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। आपने अपने हाथ में फ़ोन को लिया, डायरेक्ट फिंगरप्रिंट मारा और उस एप्लीकेशन ओपन हो गया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा। ये फीचर्स आपको Realme UI 2.0 में मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर टू फीचर्स में, और नंबर टू वाले फीचर्स मुझे तो काफ़ी सही लगा। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है Realme UI 2.0 का गेस्ट मोड के बारे में। तो यहाँ पे जो गेस्ट मोड है, मतलब जो मल्टी यूज़र मोड है, ये तो Realme UI 2.0 पे बाई डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि Realme UI 1.0 में ये है, ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। तो ये जो गेस्ट मोड है इसको हम अभी स्विच नहीं कर सकते फिंगरप्रिंट से। तो अगर हम लोग चाहते हैं क्या हम लोग फ्यूचर में Realme UI 2.0 को इसको फिंगरप्रिंट से चेंज कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है यस, क्योंकि ऑलरेडी Realme ने बोल दिया है कि मल्टी यूज़र मोड या मल्टी स्विच यूज़र मोड का न्यू मतलब अपडेट Realme UI 2.0 में आएगा, जहाँ पे आप अलग अलग फिंगर के मदद से अलग अलग गेस्ट यूज़र को लोकेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने आप मोबाइल को डायरेक्टली ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉक स्क्रीन में जो आपका मेन फिंगर है जिससे आप बेसिकली आपका जो मेन यूज़र अकाउंट है वो लोकेटेड है, उसके अलावा आप किसी और यूज़र अकाउंट में आप किसी और यूज़र को लोकेट कर सकते हैं। मतलब आप थंब की प्लेस में अब इससे आप एक और यूज़र को ओपन कर पाएंगे, इससे आप एक और यूज़र को ओपन कर पाएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड हेल्पफुल चीज़ें होगा। बाय द वे ये जो सैमसंग वाला है उसके ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, पर ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं नंबर थ्री की, और नंबर थ्री भाई ये ऑलरेडी Realme UI 1.0 में है। इस चीज़ को दोबारा पूछा गया है, दोबारा Realme ने आंसर दे दिया है, क्या हम लोग एप्लीकेशन को क्लोन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात क्वेश्चन ये आती है कि एप्लीकेशन लगभग 4 या 5 या 6 एप्लीकेशन है जो हम लोग क्लोन कर पाएंगे, पर यहाँ पे क्या हम लोग सारे एप्लीकेशन, जितनी सारी एप्लीकेशन मौजूद है एक्चुअली हमारे फ़ोन में थर्ड पार्टी को छोड़ के, जो एप्लीकेशन है क्या उस सारे एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ कर पाएंगे, क्लोन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आती है यस, हम लोग क्लोन कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लोन कर पाते हैं। अगर आप बात करते हैं Realme UI 1.0 में, आपको यहाँ पे
जो मल्टी यूजर ये गेस्ट मोड का फीचर्स दिया गया है उसके अंदर आपका पावर है कि आप गेस्ट मोड में हर एक जो एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन का न्यू अकाउंट खोल सकते हैं, सारे एप्लीकेशन को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एक में ये चैनल सब्सक्राइब है, एक में दूसरा चैनल सब्सक्राइब है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये फीचर्स काफी अच्छा है और ये फीचर्स को Realme UI 2.0 में भी एनलिस्ट किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो भाई लोग, यहाँ पे मैंने बताया कुछ न्यू 3 फीचर्स के बारे में जो कि लॉक स्क्रीन की तरफ से यहाँ पे आया था और मैंने उनको ढूंढ के निकाला और आपको बताया कुछ इसके बारे में डिटेल्स। और Realme 2.0 के बारे में आप कितने इंटरेस्टेड हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं तो यार बहुत इंटरेस्टेड हूँ, January 2021 Realme X2 में आएगा, देखते क्या होता है उसके बाद, कैसा हमें देखने को मिलता है। बस आशा करता हूँ अपडेट जो है वो लगभग फिक्स हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बग ज्यादा ना हो। बस इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।